अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। मोहतरम नाज़रीन, हाल ही में मेरे पास एक वीडियो पहुंची जिसे देखकर मैं ख़ुद भी हैरान हुआ और सोचा कि इसके मुतालिक आपको बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन हर मुसलमान के घर में जानमाज मौजूद होती है और वो इस पर खड़ा होकर अपने रब की इबादत करता है। मगर ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर इसी जानमाज के सजदे वाली जगह पर पेचीदा तरीके से बनाई गई एक बुत की तस्वीर मौजूद हो। इसलिए नाज़रीन, हर मुसलमान को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तमाम दोस्तों को सलाम, वेलकम अपनी वीडियो में करता हूँ। इस वक्त जनाब मैं एक मस्जिद में मौजूद हूँ, अपने गांव की मस्जिद में, और हमारे पेश इमाम और हमारे यहाँ पे जो उलमा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। साहिबान, आपसे एक साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये है कि ये जानमाज आप देख रहे हैं, ये है मीडियन चाइना। आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ तो ये है मीडियन चाइना, आप खुद देख सकते हैं। अब वहाँ पे मुसलमान भी बहुत हैं लेकिन गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और इसकी इस कंपनी, जो भी कंपनी हमें नहीं पता, सिर्फ मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अब इसको बनाने वाले अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको थंबनेल पे भी तस्वीर नज़र आई होगी कि यहाँ पर अगर आप जाएँ और इस चीज़ पर गौर करें, आप ख़ुद गौर करें और सामने देखें, आपको एक बुत की शक्ल का एक ये तमाम जो इसका स्टैचू या जो ये बना हुआ है एक नक्शा, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे का सारा। बगौर देखें, चूंकि ये जानमाज है, इस पर हम मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, तो तमाम चीज़ों पे जो है ना गौर करना चाहिए। जहाँ भी नमाज़ पढ़ें पाक साफ जगह होनी चाहिए, उसके अलावा जिधर आप जो जानमाज इस्तेमाल करें या इस तरह जिस पर आप नमाज़ अदा करें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जो गैर मुस्लिम है मुख्तलिफ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे लोग जो हमारी नमाज़ें या जो क्या कहते हैं हमारी इबादत होती हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए, या हम लोगों को जो नमाज़ें उनको ज़ाया करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो हरकतें हैं वो करते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी, आप अगर जानमाज़ ख़रीदें, नमाज़ पढ़ें, तो इस बात पर ज़रूर गौर किया करें कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो जगह पाक साफ़ है, जिस आप जानमाज़ पे खड़े हैं वो इस काबिल है, वो कपड़ा या वो जो जानमाज़ है, तो उसके बाद अदा करें।